तो गाइस आज का जो सफर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आज की शाम हम रहने वाले हैं सो कॉल्ड पागल बाबा मंदिर एंड हियर ये वृंदावन के वेवान जी आप एंड हियर बाबा जी ये हमारे टूर के पार्टनर और हमारे टीम लीडर वेवान जी हैं जो एडिटिंग हैंडल करते हैं। और आप पीछे देख सकते हैं नौटियाल जी मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे से। तो आज हम सभी जा रहे हैं पागल बाबा मंदिर वृंदावन, तो जुड़े रहिएगा। और आगे हम आपको यहाँ के गार्ड के साथ अगर कोशिश करेंगे कि उस मंदिर की कहानी वहाँ का गार्ड ही बताए। तो अभी हम गुजर रहे हैं वृंदावन की गलियों से, काफ़ी बहुत भीड़ नहीं है। हालांकि वृंदावन का रश हमेशा से रहता है क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है। और आप देख पा रहे होंगे नज़ारा काफ़ी अच्छा है, रोड कृष्णा 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 हरे कृष्णा पूरे रोड पे आपको सुनने को मिलेगा। जगह जगह लोग सिर्फ राधे राधे बोलते नज़र आएंगे। ये खूबसूरती है वृंदावन की। ये ब्लॉग आपके लिए स्पेशली हम लेकर आ रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा। अभी हम चल रहे हैं पागल बाबा मंदिर और वहाँ की स्टोरी क्या है, स्टोरी लाइन हम आपको बताएंगे और जल्दी मिलते हैं। नज़ारा है ये ब्रिज पर, आप देख सकते हैं कि लाइटों को बहुत ही खूबसूरती के साथ फिट किया गया है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत लाइट यहाँ पे इन्होंने लगाई है। शाम को ये लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। अभी हम गुजर रहे हैं इस रास्ते से, जो ब्रिज है यमुना के बाद एक ओवर ब्रिज पड़ता है, वो काफ़ी अच्छा माहौल काफ़ी हरियाली युक्त है, आप देख सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं पागल बाबा मंदिर, एक हल्का सा दृश्य हम आपको दिखाते हैं और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि शायद वहाँ पे कैमरा अलाउ है कि नहीं। और वैसे हम अंदर जाकर नियमों का पालन करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी भी तरह से हमारी वायलेशन हो। ये रही हमारी टीम जो मंदिर परिसर में चलने को, तो चलिए पहले देखते हैं कि पागल बाबा मंदिर के बोर्ड पर क्या लिखा गया है। जैसा कि नौटियाल ने हमको डिस्क्राइब किया कि हमें इस बोर्ड को फोकस करना चाहिए, तो हमें इस बोर्ड पे चल के देखना है क्या लिखा गया है। तो उन्होंने लिखा है ब्रज के प्रमुख संत श्री लीलानंद ठाकुर जी पागल बाबा द्वारा नवनिर्मित। चलिए हमारी टीम कह रही है कि मैं उस टाइम उस तरफ से जाके नवनिर्मित इस प्रांत के मंदिर नौ मंजिला भव्य मंदिर में परमात्मा के विभिन्न ठाकुर द्वारा ईश्वर का विराट स्वरूप उनके क्रियाकलाप दर्शाए गए हैं। संपूर्ण मंदिर सफ़ेद संगमरमर पत्थर का बना हुआ है, जो कला एवं भव्यता की दृष्टि से दर्शनीय है। उत्तरी भारत का अत्यधिक विशाल मंदिर है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने इसको लिखा है और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ और अभी अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। पिछली बार हम आए थे तो यहाँ के गार्ड ने कहा था कि मैं इस मंदिर की पूरी स्टोरी लाइन आपको सुनाऊँ। बहुत ही खूबसूरत है, शाम के टाइम पे ये मंदिर देखने लायक हो जाता है और जब यहाँ की लाइटिंग बढ़ाई जाती है तो काफ़ी खूबसूरत सफ़ेद पत्थर से बना हुआ ये मंदिर है। और मंदिर के साइड में आप देख पा रहे होंगे इस तरफ लोगों के रुकने ठहरने आदि की कुछ व्यवस्था है। अभी अंदर चल के हम जाके देख रहे हैं। और इस साइड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी रूम बने हुए हैं और आगे की कहानी हम आपको बताते रहे। हम मिल चुके हैं यहाँ के मंदिर परिसर के जो सुरक्षा गार्ड हैं, इनका बहुत विशेष रोल रहता है। शाम को लोग अंदर आएँ कब जाएंगे सारी व्यवस्था और मंदिर के बारे में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए मंदिर की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इस तरफ से मैं देख पा रहा हूँ कि मंदिर के इस परिसर में आप इन गार्ड साहब से मैं स्टोरी सुनना चाहूँगा और आप वहीं पर चलेंगे अपनी जगह पर कि यहीं सुनेंगे। मैं इस टाइम काम कर रहा था। 2 मिनट गार्ड साहब पर बहुत रिक्वेस्ट की है हम लोगों ने, देखते हैं कि ये 1964 में बाबा जी 1964 में बाबा वृंदावन आए थे। वैसे बाबा बंगाल कोट में जज थे इनके। वो बंगाल में कोई किसान था गोपाल नाम का, उसने किसी साहूकार से कर्जा लिया, कर्जा उसको दे दिया, फिर भी उसको बेईमान बताया और उसके नाम FIR करके बाबा की अदालत में केस डाल दिया। केस चलता रहा। एक दिन बाबा बोले कि बेटा तेरे पास कोई गवाह है, तूने किसके सामने साहूकार का पैसा दिया? माने कि मेरा गवाह तो रघुनाथ जी है। माने कि तो रघुनाथ जी को गवाही देने के लिए ले आना, ठीक है। अगली तारीख आई, गोपाल भगवान राम को स्मरण करता हुआ कोर्ट में पहुँच गया और वहाँ जाके अदालत पहुँचा। जज साहब बोले बेटा कहाँ है तेरा गवाह, क्या आता हुआ? इतने में भगवान राम डंडा लेके और बाबा के रूम में पहुँच गए। माने कि जज साहब मेरे सामने इसने सारा पैसा दे दिया, मैं इसकी गवाही दे दे आया।
और आपने मुझे पहचाना भी। ये सब करके जब साहब ने गोपाल को रिहा कर दिया और बाद में जब बाबा को मालूम पड़ा कि स्वयं भगवान मेरी अदालत में आए, दुनिया उनकी अदालत में जाती है, वो सब कुछ नौकरी फौकरी सबको छोड़ के सबसे पहले इन्होंने बंगाल में काली माँ की भक्ति की, काली माता को अपने सामने प्रकट किया। काली माता ने प्रसन्न होकर बाबा को एक लाल रूमाल दिया था, बोली बेटा इस रूमाल को किसी के सर पर रखेगा उसके घर में आनंद होगा, कल्याण होगा, कैसा भी रोगी हो अच्छा हो जाएगा। दूसरे वरदान में कहा बेटा इस रूमाल से कितना भी पैसा निकाल ले खत्म नहीं होगा। बाबा उसी रूमाल के पैसा से इस मंदिर को बनाया। 1969 में शिलान्यास हुआ, 1980 में ये मंदिर बना। 11 साल लगे, फिर बाबा ने विशाल भंडारा किया, 1 महीने भंडारा चला, कितना भी यात्री आओ सब प्रसाद खाते, उनकी थालियों में झूठन बत्ती, बाबा किसी भी थाली की झूठन में से थोड़ा प्रसाद रूम में खा जाते, लोग कहते ये तो पागल है झूठा खाता है। बाबा ने 1980 में मंदिर को DM जिला जज और अपने मथुरा वृंदावन के 3 ट्रस्टी को सौंप दिया और बाबा 1980 में ही जिंदा समाधि ले। भैया ये कहानी बाबा की 9 मंजिला मंदिर है। लोग पागल बाबा क्यों कहते थे? मैंने बताया ना कि झूठन बत्ती थी तो बाबा किसी भी थाली की झूठन में से थोड़ा प्रसाद खा जाते थे। अब आप एक बात बताओ, कोई पागल ऐसा मंदिर बनवा देगा? बाबा का मंदिर आसाम में, साफटग्राम में, झारखंड में, गुवाहाटी में, कलकत्ता में, 2 स्थान बाबा के वृंदावन में, एक है एक यमुना किनारे सुदामा कुटी के पास है, बाबा का हॉस्पिटल भी है, एक नया स्थान इटावा जिले में भरतना में नदिया के किनारे बन रहा है, श्याम सुंदर चौरसिया बनवा रहे, 4 मंजिल बन चुका है। जय बाबा। चलिए बोले राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद गार्ड साहब। दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने यहाँ के गार्ड से ही इस मंदिर के पागल बाबा की जो कहानी आपके समक्ष लेके आए हैं, चलिए देखते हैं मंदिर की खूबसूरती और आगे मैं अपनी टीम के साथ आपको फिर मिलता हूँ। वैसे आप देख पा रहे होंगे सूर्यास्त के साथ इस मंदिर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, ये बहुत ही अतुलनीय है। और बाबा ने जल समाधि ली थी लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी बाबा अपने सच्चे भक्त को दर्शन देते हैं। तो चलते हैं मंदिर के साथ और इस 9 मंजिला मंदिर की खूबसूरती को हम आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जय श्री राम लगातार चल रहा है, राम और सीता की झांकियाँ बनाई गई हैं, ये कृष्ण की झांकियाँ हैं, भगवान श्री इस ऐसे सजाया गया है मंदिर को कि आप समझ पाएं कि कृष्ण का जन्म क्या हुआ, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत, और इनको चलायमान किया गया है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया अभिमन्यु का चक्रव्यूह का घिराव लीला और बेबान जी संगीतमयी माहौल को बना रहे हैं। बारे में अभी आपको बताया गया, वो जस साहब जिन्होंने बाद में कृष्ण से प्रेरित होकर अपना पूरा कारोबार छोड़कर सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे, आप उनको भी यहाँ पर दर्शन देने की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिर आगे वासुदेव जी को दिखाया गया है, यहाँ पे रामलीला की प्रदर्शनी अगले द्वार से हम घुसते हैं तो वहाँ पर आपको राम के जन्म से लेकर और उनके पूरे कर्म तक का विवरण आपको मिलेगा। भगवान शिव को दिखाया गया है,
नारद मुनि को दिखाया गया है और ये हैं हमारे योगराज जिनको विष्णु कहा जाता है। बहुत ही अच्छे से इसको प्रदर्शित किया गया है, थोड़ी मशीनी टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, ये चीज़ें हिलती डुलती दिखाई पड़ती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा बांके बिहारी के मंदिर में भी सब चीज़ें चलायमान दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वहाँ पर एक अद्भुत समागम है ईश्वरीय का, लेकिन यहाँ पर मशीनी का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर ऐसा कुछ क्लेम नहीं करती, झूठ नहीं बोलते मंदिर पर सब लोग, उनको उन्होंने वो बताते हैं कि यहाँ पर मशीनी का इस्तेमाल किया गया है। अशोक वाटिका में व्याकुल माता सीता का भी प्रदर्शन किया गया है और हनुमान जी आ चुके हैं और सारी दास रावण की दासियां सो गई हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रावण का वध दिखाया जा रहा है। रावण वध को प्रदर्शित किया गया, बहुत ही खूबसूरत मंदिर आप कह सकते हैं। यहाँ पर राम और उनकी माताओं का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम में लवकुश शिक्षा प्राप्त करते हुए ये दिखाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो इतिहास के कई हिस्सों का यहाँ पर कलेक्शन किया गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने इतिहास को प्रदर्शित करते रहते हैं, इसी क्रम में हमने ये मंदिर के विजिट कार्यक्रम को रखा और हमारे साथ हमारी पूरी टीम डॉक्टर नौटियाल, डॉक्टर विजेंद्र देवधर फ्रॉम नोएडा गुजर फैमिली, बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने शूट किया है। बहुत जल्द हम इनके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया कि आप ब्लॉग करेंगे अपने सभी मित्रों से मिलते हुए जो हमारे फॉलोअर रहेंगे, तो आप सभी भी ये कमेंट करते रहें और हमको बताते रहें कि हमें और क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हम अपनी टीम के साथ उतर चुके हैं, आप सभी से मुलाकात करेंगे। जो लोग कमेंट करेंगे वहाँ पर भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। यदि आपके वहाँ पर भी कोई ऐसी मंदिर है जो बहुत बेहद खूबसूरत है और हमारी संस्कृति को समेटे हुए, तो आप सभी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं ताकि हमारी टीम वहाँ पहुँचे और उसका पूरा ब्लॉग हम आपके सामने लेकर आएँ। आप देख पा रहे होंगे कि पूरी मंदिर में मूर्तियों की भरमार है, पूरे पौराणिक कालीन इतिहास को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। यहाँ सूकर अवतार से लेकर भगवान राम के अवतार, कृष्ण अवतार, 12 अवतार, सारे अवतार आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मंदिर परिसर में यहाँ पर कुछ बंद किया गया है, ये इस विषय में अभी हमने कुछ बातचीत नहीं की, आगे बातचीत करेंगे तो आपको अवश्य बताएंगे। एक लंबा घेराव सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है, मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सबसे निचले स्तर पर हैं हम और अभी ऊपर चलकर हम आपको और मंदिर को दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे हमारी टीम नौटियाल, डॉक्टर देवधर चल रहे हैं, मिलते हैं जल्दी। चल रहे हैं मंदिर के सीढ़ियों पर, देखते हैं ऊपरी तल का क्या हालचाल है, कैसी है मंदिर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाई गई है, सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है मंदिर, आपने अभी पहले देखा भी होगा। और अब हम पहुंच रहे हैं राधे गोविंद मंदिर, तो अंदर चलकर देखते हैं नज़ारा। अगर कैमरा अलाउ हुआ तो मैं आपको ज़रूर ब्लॉक करके दिखाऊंगा, यदि कैमरा नहीं अलाउ हुआ तो मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों। हमने आप देख पा रहे होंगे भगवान कृष्ण और राधा की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति लगाई गई है, मैं जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप शायद देख पा रहे होंगे और कोशिश करूँगा कि वहाँ जाकर भी मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ। कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे की ध्वनि होती रहती है और मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी ही आपको उस मूर्ति तक ले चलते हैं, तो बाबा जी ने हमको परमिशन दे दिया है और अब हम चल रहे हैं। यहाँ पर ये बाबा जी बैठकर हरे कृष्णा का पाठ कर रहे हैं और पूरे मंदिर में ध्वनि जा रही है। बहुत ही खूबसूरत भगवान कृष्ण और राधे माँ की एक मूर्ति लगाई गई है। मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार अगर वृंदावन आते हैं तो इस मंदिर पे अवश्य विजिट करें, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर में जो मुझे यहाँ के आने जाने वालों को सबसे गलत बात लगी है वो यहाँ पे मंदिर के दीवारों पर लोगों ने अपनी मान्यताएँ लिख डाली और मंदिर को खराब किया है। मतलब इन्होंने अपनी मांग लिख दी, मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, ये सब नहीं करना चाहिए यहाँ के विजिटर्स को, मंदिर ख़राब हो जाती है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, मंजिल पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वासुदेव जी के गोद में, नंदेश्वरा यशोदा के गोद में कृष्ण खेल रहे हैं। आगे चलते हैं मंदिर के आखिरी फ्लोर पर,
यहाँ पर जब भी हम सीढ़ियों पे पहुँचते हैं तो ये अपनी मांग को लिखते हैं लोग लोग पागल बाबा को पागल कहते थे लेकिन ये लोग पागल। तो अब हम चल रहे हैं नौवे आखिरी तल पर पागल बाबा के इस मंदिर में और काफ़ी ऊंचाई पर ये नौवा तल बना हुआ है। आप जानते ही होंगे कि नौवा तल काफ़ी ऊंचा होता है। यहाँ पर भी महाराज की मूर्ति लगाई गई है और ओम के पत्थर को शिवलिंग जैसा आकार देने की कोशिश की गई है। यहाँ से पूरा शहर एकदम साफ देख सकते हैं आप वृंदावन। तो हम पागल बाबा के नौवें तल पर हैं और यहाँ से आप मंदिर परिसर को भी देख पा रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, अगर आप सब वृंदावन आते हैं तो एक बार इस मंदिर जरूर आएं। और दूसरी साइड चलते हैं, यहाँ से भी एक खूबसूरत नज़ारा, शहर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और यहीं से आप देख सकते हैं जो स्वर्ण स्तूप का एक मंदिर है। हम कोशिश करना चाहेंगे कि जूम के तहत वो आ सकता है क्या, कौन सा कमरा वहाँ कहाँ? अरे टावर के, दोनों टावरों के बीच में, ऊपर दोनों टावरों के बीच में। अच्छा, अरे वो दिखाई नहीं दे रहा, शायद जूम करने पे देखिए टावर के बीच में। और आप वो यहाँ से नहीं मिला है क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर लगभग दूर है वो। अच्छा। तो इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जल्दी कोशिश करेंगे। वैसे आप देखें तो वृंदावन धाम के सारे मंदिर यहाँ से पूरा का पूरा शहर मंदिरों का दिख रहा होगा आप सबको। ये 5150 मंदिरों का शहर है। घूम लो, उसे भी बंद नहीं होगा।